5 अगस्त को जो खुशी की लहर और शीत लहर रहेगी हमारे दिल में, आज जो कि 5 अगस्त को जो भूमि पूजन करने जा रहा है उससे मैं अति प्रसन्न। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है राम मंदिर आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले, या यूं कहें कि ये है एक कार सेवक जो भोपाल से अयोध्या गए तो अपने पैरों पर थे लेकिन लौटे बिना पैरों के। इनका नाम है अचल सिंह मीणा। अचल सिंह 6 दिसंबर 1992 में उन्हीं कार सेवकों में शामिल थे जो बाबरी विध्वंस के वक्त वहीं थे। तब अचल सिंह मीणा 30 साल के थे। बाबरी विध्वंस के दौरान गुम्बद के मलबे का एक हिस्सा अचल सिंह की पीठ पर गिरा और उसी वक्त अचल के शरीर का आधा हिस्सा खराब हो गया। तब से ही अचल सिंह भोपाल के छोटे से कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं। एमपी तक ने उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। जो तारीख आई से मुझे अति प्रसन्न है और मेरे देश के 16 करोड़ जो हिंदूवासी सबों को ही, इस बार देश का प्रधानमंत्री इतना सशक्त निकला धर्म के प्रति कि आज हमारी हिंदू भावना के लिए आज जो 5 अगस्त को जो खुशी की लहर और शीत लहर रहेगी हमारे दिल में, आज जो कि 5 अगस्त को जो भूमि पूजन करने जा रहा है उससे मैं अति प्रसन्न। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको लगता है लेकिन वहाँ आप जब गए तो आपके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद आप जिंदगी भर चल तो सकते नहीं, अब दूसरों की मदद के मोहताज हो गए, तो कहीं मन में टीस है? देखो यार, इसका टीस नहीं, क्यों नहीं करता मैं? अगर मैं गर्व से होता तो किससे कहता, अगर मैं कहीं एक्सीडेंट होता तो मैं किससे कहता। आज मुझे भगवान स्वयं ये देख रहे हैं, वो आज उन्हीं के चरणों से मेरा पालन पोषण हो रहा है। ये मुझे आत्मविश्वास है कि किसी से ना मांगो, मांगो तो सिर्फ एक मालिक से, जिस राम ने जीवन दिया है। और आज मुझे अति प्रसन्नता है, और ये भी नहीं लगा कि मेरे क्यों लगी, कैसे लगी, ना किसी मंत्री से कहा, ना किसी शत्रु से कहा, ना किसी ने आज तक मेरा किसी तरह का इलाज करवाया। कोई नहीं कह सकता है गिलास पानी का सहारा, अरे लिया उसी राम के नाम से सहारा मैंने कि आज जो मैं जीवित हूँ, आज जब मेरे पैर सही होते तो मैं भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता कि मुझे भी भगवान राम की जन्मभूमि में सम्मिलित करें तो आपकी अति कृपा होती, लेकिन मजबूर हूँ, दोनों पैर लाचार हैं मेरे। अचल सिंह पीएम मोदी के मुरीद हैं, उन्हें ना ही इस बात का गम है कि उनके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा, लेकिन राम मंदिर निर्माण की खड़ी आ गई है और वो पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। आदमी अगर जैसे शरीर क्या, अगर अपना प्राण भी चले जाए तो उसमें कोई आदमी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना परेशानी चाहिए। ये समय बेर बेर नहीं मिलेगा। जो कई सुना है कि कई वर्षों से जो मामला अटका और भटका आता था हमारे मोदी, आज भगवान राम की कृपा से जो 5 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री ने एक दया और गरीब की इच्छा पूरी, हिंदू की इच्छा पूरी करने वाले एक देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने जा रहे हैं उससे मैं अति प्रसन्न। अचल सिंह मीणा ने एमपी तक से बात करते हुए बताया कि कैसे उन्हें चोट लगी, कैसे उन्होंने कार सेवा की थी, इस दौरान वो भावुक भी नजर आए। पहले जो मंदिर तोड़ा होगा उसका मलमा साइड में पड़ा हुआ था, देखो वैसे छत में तो कोई नहीं चढ़ पाता, उस मलमे से हम लोग चढ़े और कुछ दुर्गा भाई ने भी चढ़ी, तो उसको उमा जी ने, जतराम जी ने मना किया कि आप दुर्गा भाई ने कोई भी कार सेवा ना करें। तो उन्होंने कहा कि हमने अगली बार 1990 में हमने हमारे एक भाई तक खो दिया, इस तरह सब कुछ जोश, हम बेर बेर इस तरह खून नहीं बहाएंगे। और माँ की जो कुछ भगवान की माया ही ऐसी हुई कि वो आदमी किसी नेता की ना सुनते हुए और उसमें कार सेवा सब लोग। बहरहाल ये वो कार सेवक है जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे। अचल खुश हैं कि जीती जे उनके सामने राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और राम लला उन्हें अयोध्या बुलाएंगे तो वहां जरूर जाएंगे। आपको बता दें कल यानी 5 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा राम जन्मभूमि का पूजन होने जा रहा है और कल से ही भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। कार सेवक थे 1992 में और आज ये भले ही बिस्तर नहीं छोड़ सकते लेकिन इनका साफ तौर पर मानना है कि भगवान राम ने ही इतने सालों तक इनका ध्यान रखा, क्योंकि कोई नेता राम आंदोलन से जुड़े हुए कई बड़े नेता, बड़े चेहरे, उन्होंने इन्हें भुला दिया है, इनके पास नहीं आए, इनसे मिलने नहीं आए, लेकिन इनका मानना है कि भगवान राम ने इनका ध्यान रखा। और इस बात की खुशी है कि भले ही शरीर से नीचे का हिस्सा इनका जो है 1992 के बाद से काम नहीं कर रहा है,
लेकिन इनके सामने जीते जी ये राम मंदिर का निर्माण होते देख रहे हैं और यही एक सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला क्षण जो है वो अचल सिंह मीणा के लिए है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।